दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सेकेंडरी स्कूल कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन 2019 संस्कृत सब्जेक्ट के लिए पूछे गए ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानेंगे। अगर आप लोग क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंटल संस्कृत ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप अपना ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हो। यह प्रश्न पत्र सेट सी है, आपका कोई भी सेट हो क्यों ना हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 सेट में क्वेश्चन बांटे गए हैं, 10 सेट में क्वेश्चन है, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव का किस प्रकार से मिलान करेंगे। आपका कोई भी सेट हो, चाहे ए हो, बी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, सभी सेट का मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन सबका सेम है, सिर्फ नंबरिंग जो है चेंज है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अशांति से क्या होता है। तो देखिए अशांति से क्या होता है, आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, उसके पश्चात आप अपने क्वेश्चन में खोजिए कि अशांति से क्या होता है, आपके कितने नंबर के क्वेश्चन में है। फिर देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा भी, आंसर होगा मानवता का विनाश। तो एक का सही ऑप्शन आपको भी आंसर हो गया मानवता का विनाश। इस प्रकार से अपना मिलान करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दो, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था, तो वरिष्ठों का। तो दो का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा वरिष्ठों का। क्वेश्चन नंबर तीन, तस्मिन किस शब्द का रूप है, तो तस्मिन जो है यह तद शब्द का रूप है, यहाँ पर तत् है जो टाइपिंग मिसप्रिंटिंग है, तो इनका सही ऑप्शन आपको बी होगा, आंसर तद। क्वेश्चन नंबर चार, हंजोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा हनित्वा। चार का सही ऑप्शन आपको होगा ए। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो नमन में आपको सत्री प्रत्यय है, तो पाँच का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा सत्री। क्वेश्चन नंबर छः, अर्पित विग्रह द्रव का भक्षण कौन कर रहे थे, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा मुस्का। छः का सही ऑप्शन आपको होगा बी। क्वेश्चन नंबर सात, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा माता पितरों। क्वेश्चन नंबर आठ, ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं, तो वेदिकम कहते हैं, तो आठ का सही ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर नौ, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, तो जन्म के पूर्व तीन संस्कार होते हैं, तो नौ का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया तीन। क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर दस में है कि पर पीडन से क्या मिलता है, तो पर पीडन से पाप मिलता है, तो दस का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया पाप। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा अन। ग्यारह का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। क्वेश्चन नंबर बारह, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा पराकाष्ठा। बारह का सही ऑप्शन आपको सी। क्वेश्चन नंबर तेरह, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 1000 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर चौदह, गणेशाय मोदकम रोचते पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा रुच्यार्थानाम प्रियमाना। चौदह का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, अनवद्य किस समास का उदाहरण है, तो इनका सही ऑप्शन होगा नया समास का, तो पंद्रह का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। क्वेश्चन नंबर सोलह, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध हैं, तो इनका जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना है, और हमने यहाँ पर आंसर में संस्कृत में लिख दिया है आंसर सार्ध शतम, तो आप लोग बताइए कि इनका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर सत्रह, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला। सत्रह का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया वत्सला। क्वेश्चन नंबर अठारह, विभाति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो विभाति यहाँ पर देखिए पहला वी, तो अठारह का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया वी। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, शेषव संस्कारों में कितने संस्कार आते हैं,
तो छह संस्कार आते हैं, तो 19 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया छह। तो यहाँ पर आपने 19 क्वेश्चन का आंसर जाना है, रेस्ट आप क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रेस्ट सब्जेक्ट का भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश बच गया है, इनका भी ऑब्जेक्टिव का आंसर जानने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही नामांकन से संबंधित सूचना भी आपको मिलेंगे इस चैनल पर इंटर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।